फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। तो काफ़ी एक्स्ट्रा बार के हमने बारे में जाना था कि एक्स्ट्रा बार क्या होता है, स्पेसर बार क्या होता है और स्लैब को हम कैसे स्पे करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड वीडियो है हमारे पास चेकलिस्ट के बारे में कि जो हमारे पास बीम होता है, जैसे कि ये कंटिन्यूस बीम है, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस बीम है, ये भी कंटिन्यूस बीम हो गया है। और उस कॉलम से इस कॉलम तक हमारे पास ये किया सिंपल सपोर्टेड बीम, और अगर ये उस कॉलम से कंटिन्यूस जाता है वो हमारे पास कंटिन्यूस बीम हो जाता है। तो इसमें हमें क्या चेक करना होता है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो दूरी में है तो उसमें जो बीम का डिस्टेंस है तो उसमें कॉलम स्टार्ट से लेकर, जैसे कि यहाँ से कॉलम स्टार्ट हुआ तो यहाँ से जितनी बीम की डेप्थ होती है, ये आज कोड का कोडिंग है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए IS 13920, तो जितनी बीम की डेप्थ होती है जैसे कि 450, तो 450 गुना 2 इंटू डी, तो 450 इंटू 2 कितना हो 900। तो इस कॉलम के स्पेस से लेकर 900 तक जहाँ तक आएगा उसकी जो स्पेसिंग हो वो होता है एंड जोन, इसके बीच में जो बचता है वो होता है आपका मिडल जोन। इसी तरह ये कॉलम की जो दूरी है यहाँ से जो 2D होता है वो आपका 450 की डेप्थ है, 450 गुना 2 900 हो गया। तो इस कॉलम के फेस से 900 तक क्या रहेगा, ये क्या इस डिस्टेंस रहती है, 900 तक हमें स्पेसिंग रखेंगे। तो इसमें स्पेसिंग रखी है 100 mm, तो 100 mm की स्पेसिंग इसमें रखनी है। तो कितने आएंगे रिंग, 10 रिंग आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एंड सपोर्ट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये इस तरह से 11 ही आएंगे क्योंकि 900 + 1 = 10, तो एंड सपोर्ट से हमने किया तो इसको 11 रिंग इसमें लेंगे। उसके बाद हमारी स्पेसिंग है 150, तो बीच में हमारे पास 150 की स्पेसिंग है मिडल जोन के अंदर। इसी तरह हमारे पास एंड जोन स्टार्ट हो गया है, वो हमें क्या लेने हैं स्पेसिंग एंड जोन में स्पेसिंग क्या रहेगी, 100 mm एज पर ड्राइंग, जो भी आपकी ड्राइंग में अवेलेबल होता है वही हमें लेना होता है। सेकंड पॉइंट हमारा चेक क्या करना है, जो टॉप बार होता है, जो रिंग होता है, जो स्ट्रप्स को बोलते हैं, ये स्ट्रप है स्पेस स्ट्रप की, जो अगर हुक, इसको बोलते हैं हुक, अगर हुक वन साइड है तो दूसरा इधर साइड होना चाहिए, थर्ड इज इधर, फोर्थ रिंग इधर होना चाहिए। तो ये हुक को हमें चेक करना चाहिए हमेशा कि अगर हुक एक साइड में ना हो, अगर एक साइड में आएंगे जब भी लोड ज़्यादा इफेक्ट करेगा तो ये बीम क्या होगा, लोड आने से क्रैक्स हो जाएंगे और बार ये रिंग खुल जाएंगे इस तरह से। तो ये हमेशा चेक करना है कि रिंग अलग होने चाहिए। दूसरा ये चेक करना है कि जो ये हुक की जो लेंथ होती है 9 × D एज पर एस कोड, अगर 8 mm का तो 8 × 72, तो ये कम से कम जो रिंग की जो हुक की लेंथ होनी चाहिए मिनिमम 72 mm होनी चाहिए, या फिर 70 75, 3 इंच तक मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा 75 mm हो गया, और दूसरा इसका जो बैंड होता है 175 डिग्री, मतलब कि 135 डिग्री में होना चाहिए, ऐसे इसको बैंड होना चाहिए अंदर की तरफ में। अब इसमें काफ़ी क्या करते हैं कि ये नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा बार है इसको फिर कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी जो लेंथ है 10 × D इसको बढ़ा दें, तो 10 × 8 = 80, तो मिनिमम 80 mm इसकी लेंथ बढ़ा दें, जिससे कि कंक्रीट के अंदर ये जो बाउंड होता है एंकरेज, इसको बोलेंगे फिर हम वहाँ पर एंकर लेंथ, जो एंकरेज लेंथ है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और कंक्रीट जब हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे तो वो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, जो एंकरेज लेंथ है, तो वो बॉन्ड का क्या काम करेगी, डेवलपमेंट लेंथ का, ठीक है। जैसे हम एक्स्ट्रा बार डालते हैं डेवलप, ठीक है, तो हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, इस तरफ हुक, दूसरी साइड ई वन हुक, तीसरी साइड इस तरह हुक। तो ये हमें चेक करना है कि जो हुक की लेंथ है मिनिमम 9 × D होनी चाहिए, दूसरा हमारा जो हुक की जो लेंथ है 135 डिग्री पे होना चाहिए, अगर ये पॉसिबल नहीं होता है आप साइड पे तो 10 × D होना चाहिए, ताकि जो इसकी लेंथ है, हुक की लेंथ है, प्रॉपर्ली से बॉन्ड हो जाए, इसको बोलेंगे हम एंकरेज लेंथ उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हम ये अल्टीनेट होना चाहिए, जो हुक होता है ये अल्टीनेट हो, एक हुक इधर है तो दूसरा हुक इधर होना चाहिए, अल्टीनेट होना चाहिए, ठीक है, जैसे हुक इधर है तो दूसरा हुक इधर होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको प्रोवाइड करेंगे अल्टीनेट के द्वारा। और दूसरा बार हमें देखना है कि जो टॉप में होता है, जो टॉप बार होता है, टॉप में होता है कंप्रेशन मेंबर और बॉटम में होता है आपका टेंशन मेंबर। तो टेंशन में, क्योंकि जो लोड होता है जब बीम होती है तो अंदर की तरफ इफेक्ट करती है, अंदर की तरफ, तो वो ये क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, और ये क्या होता है, नीचे की तरफ अंदर की तरफ खींचता है, बाहर से बंद फिक्स रहता है, दोनों साइड फिक्स रहता है, और ये अंदर की तरफ, अंदर क्या होता है, टेंशन होता है, लोड आने पे खींचता है। तो इस वजह से क्या हुआ, टेंशन लोड हुआ यहाँ पर, टेंशन रेइंफोर्समेंट। तो ये ज़्यादा होने चाहिए टॉप से, ये बॉटम में ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 16 के प्रोवाइड कर दिए और बॉटम में 4 16 के, ठीक है। तो ज़्यादा सपोर्ट के लिए हमने इसमें एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर दिए 2 20 mm के, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूस हो गया यहाँ पे कॉलम, क्या कंटिन्यूस है, तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको एक्स्ट्रा जो बार हमने प्रोवाइड करी वो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे L/3।
डिपेंड करता है आपकी लेंथ पर कि LY4 है या फिर LY3 है, वो डिपेंड करता है आपकी साइड पे क्या इसमें गिवन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रोवाइड करना। दूसरा हमें देखना है कि जो इसमें अगर सरिया बार हमारा कंटिन्यूस जाता है तो कंटिन्यू जाने बाद हमारे पास जो टॉप में है तो बीच में प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कॉलम में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कॉलम के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये कॉलम में प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरह से हमें ये प्रोवाइड करना है, जैसे कि आप देख सकते हो सामने कंटिन्यू थ्रू आउट तक गया है टॉप, एक्स्ट्रा बार, मेन बार, इसके बाद स्ट्रप की स्पेसिंग, तो ये हमें ये चेक करना है। और सबसे मेन बात, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बने हम साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।